राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव। और भाई आज रिव्यू कर रहे हैं ईवो इलेक्ट्रिक के शोरूम आए, इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक जो भी चीज़ है। एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको, फिर शोरूम दिखा देता हूँ। तो एक बार बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ये है मैरोली रोड, जैसे आप बस स्टैंड की तरफ से उधर से आओगे गुड़गांव बस स्टैंड, तो यहाँ पर पड़ेगा ये। ये अपना शोरूम है ईवो लेट का, ईवो लेट गुरुग्राम। बाकी लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप का, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इनका भाई सारा स्टॉक खड़ा है, ये धन्नो खड़ी। तो अंदर चलते हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं होक से। तो ये इनकी इलेक्ट्रिक बाइक है। फ्रंट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये DRL देखने को मिलती है, और बीच में जो है प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। अभी मैं ऑन करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बैटरी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये हो गए भाई इसके ड्यूअल डिस्क ब्रेक आगे की तरफ देखने को मिलते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी साइड भी। ये देखो भाई, ड्यूअल डिस्क ब्रेक है जिसकी वजह से ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 120 की इसकी टॉप स्पीड है। टायर साइज 110/70 इंच का अलॉय व्हील आपको आगे वाला देखने को मिलता है। बाकी ये भाई फेयरिंग हो गई, पूरी फाइबर की फेयरिंग है ये, ओक की बैचिंग होगी। LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। ये देखो भाई साइड से लुक देखने में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है। ये हो गई इसकी सीट, ये भी ठीक है, ज़्यादा कम्फर्टेबल तो नहीं है लेकिन अच्छी है ये भी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। ये हो गया इसका मीटर। बाकी भाई ये हो गए इसके कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये हो गए लाइट्स के कंट्रोल, नीचे की तरफ स्टार्ट का ऑप्शन हो गया। ये इसके मोड हो गए 1, 2, 3। ये हो गया रिवर्स करने के लिए, रिवर्स का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। ये इस पासिंग का स्विच है, ये लो बीम हाई बीम का स्विच हो गया। और भाई नीचे की तरफ हॉर्न और इंडिकेटर हो गए। बाकी पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे भी जो इसमें LED लाइट और LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। देखो भाई पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। 140/70 R16 इंच का अलॉय व्हील पीछे देखने को मिलता है। तो चौड़ाई भी काफ़ी रहने वाली है टायर की, लेकिन अभी ये भाई अवेलेबल नहीं है। ये जो है दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगी आपको। ये अभी सिर्फ 100 पीस के लिए रख रखी है यहाँ पे। ये हो गई भाई दूसरी बाइक इनकी फैलकोन। ये देखो यहाँ पे फैलकोन की बैचिंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। गोल्ड टाइप में इसमें DRL हो गई, सर्कल टाइप। ये इसके इंडिकेटर नीचे हो गए। की तरफ आते हैं तो इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और टायर साइज की बात करें तो 90/80 R17 का इसमें फ्रंट टायर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ होगी। अब आप इसकी लुक देख लो साइड से, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ईवो लेट की बैचिंग यहाँ देखने को मिलती है। ये एक अपना स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया। और भाई नीचे जो इसके, ये देखो यहाँ पे जो ये अलग ही टाइप में डिज़ाइन दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मोनोशॉक रियर सस्पेंशन देखने को मिलता है, और रियर टायर 110/90 R16 ये देख लो। पीछे भी डिस्क ब्रेक इसमें देखने को मिलते हैं। तो भाई लुक वाइज तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो है अगली साल ही अवेलेबल हो पाएगी, इस साल आपको सिर्फ वही मिलेगी अपनी होक। तो इसमें भी बैटरी नहीं है। बाकी ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मोड वगैरह, रिवर्स डाउनवर्ड स्टार्ट स्टॉप, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ हो गई है अपनी। बैटरी नहीं है, नहीं मैं आपको ऑन करके भी दिखाता। अब तीसरी चीज़ आती है भाई, वो और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई रैप्टर, ये भी अलग ही चीज़ है, मतलब फुल हैवी लुक है इसकी। ये देखो आगे से साइड से सीट वगैरह भी दिखाऊंगा इसकी। ईवो लेट रैप्टर, तो भाई ये तो एक अलग ही मतलब है, लगती है मतलब कुछ और ही चीज़ है ये। तो शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट से लुक से। तो ये देखो भाई ऊपर की तरफ DRL हो गई, नीचे बल्ब देखने को मिलते हैं, ये LED इंडिकेटर हो गए। और नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है फ्रंट में। और टायर साइज़ की बात करते हैं तो 130/80 R13 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है। चौड़ाई भी काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, इसके हिसाब से मतलब चौड़े ही टायर दे रखे, ये भी काफ़ी चौड़ी है भाई। ये देखो भाई ये इसके साइड मिरर्स हो गए, ये मीटर देख लो भाई, मतलब क्या ही कहूँ इसके बारे में भाई।
पूरी हैवी लुक है इसकी। ये अपने बटन वगैरह हो गए, रिवर्स वगैरह, इसमें भी आपको सेंटर लॉकिंग मिलेगी, यहाँ पे पॉकेट वगैरह होगी, ये लॉक है, दोनों साइड देखने को मिलती है, और नीचे भी यहाँ कुछ दे रखा है। बाकी ये होगी भाई इसकी सीट, काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग, एक नंबर लंबी चौड़ी सीट है इसकी। पीछे से आप लुक देख लो इसकी, तो ये तो मतलब अलग ही चीज़ है, मैंने पहली बार देखी है ऐसी स्कूटी। इनकी प्राइस वगैरह सारी चीज़ें अभी बताएंगे आपको लास्ट में। तो अब चलते हैं दूसरी स्कूटी की तरफ। यो भाई अपनी ईवोलेट की डर्बी क्लासिक, तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। ये तो भाई इसमें हो गए इंडिकेटर, सिर्फ ये ऑन होता है, अभी ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये ईवोलेट की बैचिंग यहाँ दे रखी है। ये हो गया इसका हेडलैम्प, नीचे की तरफ DRL, ये डे टाइम रनिंग लाइट। तो अभी सारी चीज़ें ऑन करके दिखा देता हूँ। नीचे आते हैं तो इसमें रोड ग्रिप कंपनी के टायर है, रैलको कंपनी के टायर है रोड ग्रिप। और भाई इनका साइज 90-110। ठीक है भाई, तो लुक आप देख लो, आगे की तरफ इसमें ड्रम डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, साइड से लुक चेक कर लो। यहाँ अपने इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, ये हो गया चार्जर, अभी चार्जिंग में लग रही है। ठीक है, यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, पॉकेट दे रखी है दोनों साइड। ये इसकी की होगी, की भी अभी दिखा दूंगा आपको। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे ही फुल LED लाइट है, ये हो गया इंडिकेटर। ठीक है भाई, पीछे के टायर साइज की बात करें तो 90-110 ये चीज़ होगी। अब मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, सेंटर लॉकिंग भी इसमें देखने को मिलेगी। ये देखो भाई, ये है इसकी की, और सेंटर लॉकिंग इसमें देखने को मिलती है, यहीं से ही जो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आई मैं करके दिखा देता हूँ, ये होगी भाई स्टार्ट, ये PD कार है यहाँ पे। बाकी अब मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो ऑन हो चुकी, ये मैं एक्सेलरेट करा, ये देखो भाई। पच्चीस की इसमें मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है, ये अपना बैटरी लेवल, किलोमीटर पर आर, कितने किलोमीटर चल चुकी है टोटल। लाइट और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मोड हो गए, ये इसमें अभी काम नहीं करेंगे, ये अपने 25 की स्पीड पे ही चलेगी। लाइट से दिखा देता हूँ, सबसे पहले तो भाई इंडिकेटर देख लो, ये देखो, ठीक है भाई इंडिकेटर हो गए। अब लाइट दिखाता हूँ, ये होगी DRL, यहाँ पे होगी DRL इसकी। अब बड़ी लाइट कर देते हैं, ये देखो भाई ये है, ये आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिलता है। सारी चीज़ें होगी, अब मैं इसकी डिग्गी और दिखा देता हूँ। यहीं से ही जो ये बंद भी हो जाती है, ये देखो बंद होगी। अब भाई इसकी डिग्गी देख लो, ये होगी भाई MC। अपने जाग के अगर आप जाओ खड़ी करके इसे ऑफ कर दो, ये इसका मैट है, ये अपने मिरर हो गए, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसकी बैटरी, रिमूवेबल बैटरी, अपने यहाँ से निकाल के रूम पर ले जाकर चार्ज भी कर सकते हो। कितनी चलती है वो अभी बात करके बताएंगे भाई से, रेट वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है भाई, सारी चीज़ें होगी, एक बार और देख लो, लुक वाइज कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें एक कलर ये है, एक कलर ये है, ये है भाई पोनी। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, डर्बी में पोलो में उनमें दोनों मिलेगी। अभी पोलो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं दिखा पाऊंगा। ये देख लो बाकी, ठीक है। इसमें भी आगे दो प्रोजेक्टर हो गए, एक DRL। इसका मैंने रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पर, आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ये और देख लो भाई धन्नो लोडिंग के लिए, तो ये यहाँ पे इसकी धन्नो की बैचिंग है। सोकर भी इसमें पूरे तीन इधर है, तीन उस साइड है, पूरा इसमें स्पेस है। तो ये देख लो, ये ऐसे खुल जाती है और भी ज़्यादा स्पेस बन जाता है इसमें, ठीक है भाई। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह पूछेंगे अंदर कितनी चलती है, बैटरी लाइफ वगैरह, यहाँ बैठ भी सकते हो आप। तो लोडिंग के लिए स्पेशल है ये, इसका मीटर हो गया। रिवर्स का ऑप्शन है, एक दो तीन ऑप्शन हो गए, 1 2 3 स्टार्ट के लिए, लाइट के कंट्रोल हो गए, इस साइड अपना हॉर्न वगैरह हो गया, ये चारों इंडिकेटर है, लाइट होगी आगे भी पूरा। इसमें आप सामान रख सकते हो, ये देख लो इंडिकेटर, लाइट, LED, ठीक है भाई। तो पूरा स्टॉक है, अब अंदर चलते हैं, इनकी प्राइस वगैरह सारी चीज़ें भाई के साथ डिस्कस करते हैं। ये है जी इवोलेट वॉरियर, तो प्रीतम भाई इसके बारे में बताएंगे, बताओ भाई। ये जी वॉरियर है ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए, आपका फार्म होगा रिजॉर्ट वगैरह के लिए, उसके लिए ये आपको 2.5 लाख का पड़ेगा लेड एसिड बैटरी में, 3 लाख का पड़ेगा लिथियम बैटरी। क्या फर्क है इनमें बैटरी में? बैटरी की लेड एसिड एसिड वाली बैटरी होती है, अच्छा, और लिथियम वाली सिंगल बैटरी होती है। जो इनकी स्टार्टिंग हुई थी बैटरी को लेड एसिड हुई थी, दोनों चीज़ें अवेलेबल है, आप लेड में लेना चाहो लेड में ले सकते हो, लिथियम लेना चाहो लिथियम में ले सकते हो। इसका ऊपर क्या गारंटी वारंटी है? बैटरी की भैया सेम 3 साल की वारंटी, बैटरी की है। बॉडी वगैरह की कुछ आती हो? बॉडी वगैरह। और इसकी खासियत बताओ। खासियत जी इसकी टॉप स्पीड 60 की है। अच्छा, तो भाई आप आपको मिलेंगे, भाई नाम बता दो बड़ा। जी प्रीतम नाम है, नमस्कार। बताओ, अब मैंने सारी चीजें दिखा दी है, जितनी भी स्कूटी है इलेक्ट्रिक बाइक है सारी चीजें दिखा दी, अब इनके प्राइस वगैरह, इनकी गारंटी वारंटी जो जो आ रही है इन पे, सारी चीज बताओ। सारी बता देते हैं आपको, अभी जो हमारे पास अवेलेबल है 3 मॉडल है, पोनी, पोलो, डर्बी, लो स्पीड व्हीकल है ये विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले। हाँ जी, जो स्टार्टिंग है उनकी 46,000 से है पोनी की लेड एसिड बैटरी में, लिथियम आपको 58 से पड़ी है। अच्छा, 58,000 की। कितने किलोमीटर चलती है जो पोनी है? लिथियम बैटरी में है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, और उसके बाद है पोलो, पोलो की रेंज है 100 किलोमीटर की, और डर्बी है, डर्बी की रेंज है 120 किलोमीटर की। इनके जो प्राइस हैं पोनी के 58,000, पोलो के 63,000 और डर्बी के 68,000। डर्बी टॉप मॉडल है इनमें, डर्बी टॉप मॉडल है। हमारे पास एक व्हीकल और है धन्नो, वो भी दिखाई है मैंने, उसकी लोडिंग कैपेसिटी 350 kg है, स्कूटी इसकी 150 kg है, स्कूटी की 150, उसकी 350, उसकी 350 स्पेशल लोडिंग के लिए ही है, वो स्पेशल लोडिंग के लिए बनवाया गया है वो, हमने प्लांट पे 9 लड़कों को बिठा के टेस्टिंग करी है उस पे। अच्छा, काफी ज्यादा स्पेस है उसमें, आगे भी है, पीछे भी है, फ्रंट में भी दे रखा है। लिथियम बैटरी है तीनों ही, 48 वाट में, 48-30। अच्छा, इनकी बैटरी रिमूवेबल है? हाँ, बैटरी रिमूवेबल है, 3 साल की वारंटी रहती है बैटरी की, 4-5 साल लाइफ होती है इनकी। और उसकी धन्नो की? धन्नो की भी सेम है, 3 साल की वारंटी रहती है बैटरी। धन्नो की कितनी चलती है? धन्नो आपकी 90 किलोमीटर चलती है फुल चार्ज पे। और कितनी देर में चार्ज हो जाती है? इनका टाइमिंग जो है वो 3 से 4 घंटे का है, 3 से 4 घंटे की चार्जिंग में ये आपकी 1.2 यूनिट कंज्यूम करती है। अच्छा, और ये आपके 80 किलोमीटर। धन्नो का प्राइस और बताओ। धन्नो 69,000 की। 69,000। कोई मान लो वीडियो देख का आए तो डिस्काउंट वगैरह? डिस्काउंट वगैरह तो जी अभी नहीं है, दिवाली पे चल रहा है डिस्काउंट, कैश कूपन है 500 से लेके 5000 तक के। अच्छा, हाँ जी वो दे रखे हैं हमने, एसेसरीज वगैरह भी है, काफी चीजें है, हेलमेट वगैरह भी है हमारे पास ब्रांडेड। अपना नंबर वगैरह और बता दो। हाँ जी, ये हमारा एड्रेस है गुड़गांव, सेक्टर 14 ऑपोजिट, मोबाइल नंबर है 9958085115। मोबाइल नंबर भी बता दिया, प्रीतम नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। गूगल मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे आओ विजिट करो, बेस्ट डील आपने यहाँ मिल जाएगी, ठीक है भाई। आपको कलर जल्दी से फेयर नहीं होता उसका। गारंटी किस किस चीज की होती है?
देखिए वारंटी में हम 3 साल की बैटरी देते हैं, 1.5 साल की मोटर की देते हैं, 1 साल की चार्जर की देते हैं, बीसीडी कन्वर्टर है और छोटी मोटी वारंटी रहती है। बाइक की और बताओ कब तक अवेलेबल हो बाइक? जी हम आपको दिसंबर में दे देंगे। हॉक बाइक है, हम इसको फाइबर स्टील 2 बॉडी में निकाल रहे हैं, दिसंबर तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली इसका 1 से 1.5 लाख के बीच में होगा प्राइस। अच्छा, और उसकी स्पीड क्या रहने वाली है? जो कि टॉप स्पीड इसकी 120 है। 120 120 टॉप स्पीड है इसकी, 4 से 5 घंटे की चार्जिंग है, 150 किलोमीटर की रेंज। चलो ठीक है जी, धन्यवाद।